हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है नवंबर 2023। द हिंदू में देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट इवेक्यूज लेड लिव गाजा एज अ राफा क्रॉसिंग ओपन्स ब्रीफली। देखो, जो गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लोग पैलेस्टीनियन फंसे हुए हैं और जिनको छोड़ना है पैलेस्टीन ड्यू टू द एग्रेशन ऑफ इसराइल, तो वो इजिप्ट के यहाँ एस्केप हो रहे, इजिप्ट के अंदर चले जा रहे। तो अभी पहली बार उनको एक्सेप्ट किया गया इजिप्ट ने, कहाँ से? राफा क्रॉसिंग से। तो ये याद रखिए, ये इजिप्ट और हम गाजा के बीच में ये क्रॉसिंग आती है, ठीक है। डजन ऑफ 12 पासपोर्ट होल्डर्स एंड सीरियसली इंजर्ड वेयर अलाउड टू लीव गाजा एंड एंटर इजिप्ट वाया रफा क्रॉसिंग व्हेन इट वाज ब्रीफली ओपन ऑन वेडनेसडे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको चालू किया गया था, तो इसके अंदर अभी वो रेफ्यूजी जा सकते हैं जिनके पास 12 पासपोर्ट होल्डर से एंड वो सीरियसली इंजोर्ड से वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। ओवर 8,700 पैलेस्टीनियंस वेर किल्ड इन द वॉर, मोस्टली वुमन एंड माइनर्स। ओवर 22,000 वेर वुंडेड, जख्मी है, ऐसा पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बस इतना इंपॉर्टेंट है, रफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है, ये इजिप्ट के अंदर है और गाजा से लोग यहाँ पे जा रहे हैं इसको पास करके, ठीक है। सेकंड न्यूज यहाँ पे, यूपीएससी टाइटन्स द रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पुलिस चीफ्स, ठीक है। यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके अपॉइंटमेंट के लिए रूल्स बनाए, पहले रूल्स को छोड़ के, तो उसमें उन्होंने टाइट्स बनाए वो रूल्स। देखते क्या है, ओनली पुलिस ऑफिसर्स विथ एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, जिनकी सिर्फ 6 मंथ की सर्विस लेफ्ट हुई है, रिटायरमेंट को सिर्फ 6 महीने बाकी है उनके, बिफोर रिटायरमेंट विल बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये यूपीएससी ने बोला है इन द अमेंडेड गाइडलाइंस लास्ट मंथ में, ये जो इशू की उसके ऊपर इन्होंने ये बोला है। तो उसको उन्होंने अमेंड किया और बोला है कि जिनके पास सिर्फ 6 मंथ है वही डीजीपी पोस्ट पे पुलिस के यहाँ अपॉइंट किए जा सकते हैं। द अनदर चेंज, द एम्पैनलमेंट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाई यूपीएससी विल नॉट असेस इंडियन पुलिस ऑफिसर्स ऑन द सेंट्रल डिपुटेशन फॉर द स्टेट डीजीपी पोस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, जो एनपैनलमेंट कमेटी का मतलब होता है जो नॉमिनेट करती है बंदों को, जो सेलेक्ट करती है बंदों को, उनको एनपैनलमेंट कमेटी बोलते हैं। तो वो यूपीएससी ने कंस्टिट्यूट की है, वो एक्सेस नहीं करेंगे जो आईपीएस ऑफिसर्स है जिनको सेंट्रल डिपुटेशन पे, ऑफिसर्स ऑन द सेंट्रल डिपुटेशन फॉर द स्टेट डीपीजी पोस्ट, इफ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सेज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिलीव द ऑफिसर्स। देखो, अभी कोई बंदा आईपीएस बोल के स्टेट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो वो जब काम कर रहा है तो उसको सेंट्रल डिपुटेशन पे बुला सकती है। डिपुटेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ की सर्विस छोड़ो स्टेट की और सेंटर के पास आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो रिलीव हो गया यहाँ से और वो सेंटर के अंदर डिपुटेशन पे काम कर रहा है। अगर ऐसे बंदे का नाम इस पैनल में होगा कि इसको अपन डीएसपी बनाएंगे, ठीक है, डीजीपी बनाएंगे, सॉरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेडी नहीं है इस बंदे को छोड़ने के लिए, ठीक है, तो रिलीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप ऐसे बंदे को नहीं बुला सकते सर्विस, मतलब डीजीपी के पोस्ट के लिए, ये इन्होंने बोला है इसके अंदर, ठीक है। अ गवर्नमेंट सोर्स सेड दैट द गाइडलाइंस वर रिवाइज्ड टू डिस्करेज द स्टेट फ्रॉम अपॉइंटिंग द फेवरेट ऑफिसर्स अबाउट टू रिटायरमेंट इन बिड टू एक्सटेंड देयर टेन्योर। तो ये जो मूव की है, इससे स्टेट गवर्नमेंट के जो फेवरेट ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट करने करके स्टेट गवर्नमेंट उनकी टेन्योर बढ़ा देता था, एक्सटेंड कर देता था उनका कार्यकाल, तो वह अभी नहीं होगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करने के अंदर। ये यूपीएससी के नए रूल से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितना याद रखिए इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और दूसरा तो हल्का सा है। तो फर्स्ट क्या है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि 2047 तक, जब इंडिया के 100 ईयर्स ऑफ कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस से, तब तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जा रहा है और वो नीति आयोग बना रहा है, ठीक है, ये इससे रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या बताया देखेंगे अपन। 2024 में नरेंद्र मोदी ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जब वो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेगा तब तक।
है। इसके लिए नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है विजन इंडिया एट द रेट 2047 प्लान, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। एंड इसके अंदर इन्होंने बोला है कि अलग अलग मिनिस्ट्री से चीफ सेक्रेटरीज को इन्होंने अपॉइंट किया है और उनकी एक टीम बनाई है 10 लोगों की, वो इसके ऊपर एक प्लान बनाएंगे और वो अभी बना नहीं है, उसके ऊपर प्लान चालू है। जब वो प्लान बन जाएगा तो वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा इनको दिखाया जाएगा, एप्पल चीफ टिम कुक इनको दिखाया जाएगा, और जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगी है, उनको भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उनसे सलाह मशवरा करके इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 2 फेज में करेंगे। पहला तो 2030 तक वो प्लान कैसे होगा उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, उसके बाद 17 साल में, अगले 17 साल में 2047 तक इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया उसकी बात होगी। ऐसा क्यों किया गया है, जो बोलते हैं वो ऐसे होता नहीं है, कागज पे उतरने वाली वाली चीज ग्राउंड पे नहीं उतर सकती। उसकी वजह से पहले फेज में देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके हिसाब से फिर चेंजेस भी किए जा सकते हैं सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। अभी इसमें सबसे बड़ा खतरा है, कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट्स आ सकते हैं। ब्लैक स्वैन इवेंट्स के अंदर जैसे कि अभी इंडिया ने बोला कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन अभी इसराइल हमास वॉर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ब्लैक स्वैन इवेंट है जिसको अपने अपने हाथ में नहीं होता कंट्रोल करना, इसकी वजह से ये 2 फेज में बनाया गया है और इंडिया इसको ये करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज के ट्रैप में ना गिर जाए। तो ये मिडिल इनकम कंट्री ट्रैप क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे अपन। पहले ये समझिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 4 कैटेगराइजेशन होता है इनकम का वो कंट्रीज के। फर्स्ट कैटेगराइजेशन होता है लो इनकम कंट्रीज, जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम हर बंदे की 1,135 डॉलर्स होती है, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी होती है जिसके अंदर 1,136 टू 4,465 डॉलर्स पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की, ठीक है। अपर मिडिल इनकम इसमें कंट्रीज का क्या क्या कितना इनकम होता है पर कैपिटा, 4,466 टू 13,845 डॉलर्स ये होती है। और हाई इनकम कंट्रीज ये कौन सी होती है, इसके अंदर पर कैपिटा इनकम 13,845 इतनी इनकम होती है, ठीक है। तो मिडिल इनकम ट्रैप में क्या होता है, कंट्री इन तीन के अंदर फंस के बैठती है, मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंस बैठती है। लोअर इनकम से अप हो जाती है और लोअर मिडिल इनकम और लोअर अपर मिडिल इनकम के अंदर फंस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज होती है उसको शिफ्ट नहीं करती। तो मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बताता हूँ, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन्होंने इनकी जो ग्रोथ हुई थी फर्स्ट इनिशियल फेज में वो रॉ मटेरियल बेस्ड ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो अभी इन्होंने कभी शिफ्ट ही नहीं किया प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कुछ स्किल डेवलपमेंट नहीं की। रॉ मटेरियल एक लिमिटेड है ना, आपके पास सोना है, चांदी है, डायमंड्स है, ठीक है। तो वो आप कितने देर तक भेजोगे, जब तक है तब तक भेजोगे, तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे, तब तो आप ट्रैप हो जाएगी ना आपकी इकोनॉमी, बूस्ट नहीं मिलेगा आपकी इकोनॉमी को। तो इसकी वजह से आपको प्रोडक्टिविटी लेड होनी चाहिए, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका जो डेमोक्रेटिक जो डिविडेंड है, तो वो उसके पास स्किल्ड होनी चाहिए, आपको सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ करनी चाहिए। तो इसकी वजह से आपके पास कुछ यूटिलिटी के लिए लोग आए और आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए, ये इन्होंने बोला है। कुछ कंट्री के अंदर बूम एंड बूस्ट कंडीशन बनी है। अभी बूम एंड बूस्ट कंडीशन के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे ब्राजील का। ब्राजील के अंदर क्या हुआ, बूम एंड बूस्ट आता है। बूम मतलब क्या होता है कि लो रेट पे लोन दिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट पैसा डाल देती है इकोनॉमीज के अंदर, ठीक है। तो बूम आ जाता है, एकदम लोगों के हाथ में पैसा आता है, ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलते हैं, लेकिन लोग जब उसको रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि उनका वो बिजनेस नहीं चलता, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तो बैंक का पैसा डूब जाता है, तो इसको बस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बूम एंड बस्ट इन्वेंट्स आते हैं, इसकी वजह से लोग कंट्रीज मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिडिल इनकम ट्रैप में कुछ कंट्री नहीं फंसते, वो इसको एस्केप करके हाई इनकम ट्रैप में निकल जाते हैं, जैसे कि जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। ये भी मिडिल इनकम ट्रैप, लो इनकम थे, फिर मिडिल इनकम में चले गए, फिर हाई इनकम कंट्रीज में ये शिफ्ट हो गए, स्केप कर गए हाई इनकम सेक्टर के, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया और प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ उन्होंने की, उन्होंने शिफ्ट किया ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को उनके रॉ मटेरियल से प्रोडक्टिविटी रिलेटेड ग्रोथ की तरफ, ठीक है। इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडिया इंडिया के अंदर हायर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप बहुत बड़ा है, हायर इनकम ग्रुप बहुत छोटा है,
और मिडिल इनकम ग्रुप बहुत मीडियम साइज का है, ठीक है। तो ये इसकी साइज मिडिल इनकम ग्रुप की जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी बूस्ट नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हायर इनकम ग्रुप बहुत कम है, ठीक है। और लोअर इनकम से जब तक लोग हायर इनकम में नहीं आएंगे तब तक वो खर्च नहीं करेंगे, जब तक वो खर्च नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट कंज्यूमर है, उनको बेस जब तक कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आती, ठीक है। तो इसकी वजह से मिडिल इनकम ग्रुप का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में बढ़ना चाहिए, ये राइटर ने बोला है। उसके बाद द फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, तो इंडिया ने भी अपने जो स्पेशलाइज इंडस्ट्री सेक्टर है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, उनको पता था अपनी पकड़ बन सकती, तो इन्होंने उसको उसको बूस्ट किया उस इंडस्ट्रीज को। तो इंडिया ने भी ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर बूस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो इंडिया के अंदर कम है, जिसकी वजह से भी इंडिया मिडिल इनकम कंट्री के इसमें अंदर अड़क सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हेल्थ एजुकेशन के ऊपर भी इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा खास फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो एजुकेटेड लोग होते जाते हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, इसको ब्रेन ड्रेड ब्रेन ड्रेन बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए इंडिया को कुछ काम करने चाहिए और ये रोकना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन पे इंडिया ने वर्क करने चाहिए और कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। जो रिफॉर्म्स आने की स्पेस है इंडिया के अंदर वो बहुत लो है, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे, उसको 3 बिल की ना, किसान रिलेटेड जो 3 बिल थे उसको वापस ले लिया गया था, और लेबर लॉज आए थे। तो ये रिफॉर्म जो आ रहे हैं उसकी स्पेस कम है, इसकी वजह से भी अपन मिडिल इनकम कंट्री के टैप में फंस सकते हैं, ठीक है। तो यही इस आर्टिकल में था, इससे अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी डाटा गैदर करती है कहीं से भी डाटा बनाने के लिए, तो वो कॉपीराइट का वायलेशन करती है, क्योंकि उसको डाटा बेस चाहिए होता है, जो गूगल पे जो जो डाटा अवेलेबल है उसको यूज करके वो डाटा बना देती है। फिर उन्होंने बोला है कि एक कम बुद्धि वाला बंदा भी, ठीक है, जिसकी बुद्धि ज्यादा नहीं, आईक्यू ज्यादा नहीं, वो बंदा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मस्त आउटपुट रिजल्ट बना सकता है, जो कि एक इंटेलिजेंट बंदा बनाता है। इसकी वजह से भी ये खतरनाक है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। इसी आर्टिकल में इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे द रूरल हाउसहोल्ड्स गिवन द टैप वाटर कनेक्शन, ठीक है, किसके अंदर दिया गया है? 17%। द जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड द सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन द रूरल इंडिया बाय 2024 तक जितने भी इंडिया के अंदर हाउस होल्ड है उनको सेफ एंड क्लीन एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर देने का प्रयास किया है। अभी तक 70% ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इतनी बात इसको याद रखो, मिशन का नाम याद रखिए, जल जीवन मिशन। क्या एम है इसका? सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। ये यहाँ पे ट्रिक खेल सकती है यूपीएससी, रूरल इंडिया नाम याद रखिए, बाय 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज है, हाउस पैनल डोंट डोंट हैव द क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, ये एमपी ने बोला है, मोहित्रा मुवा, ठीक है, महुआ मोहित्रा, ये एमपी है जिनके ऊपर अभी क्रिमिनल हाउस हाउस के पैनल ने इनको बुलाया था, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपके पास पावर ही नहीं, इथिक्स कमेटी के सामने इनको बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपको पावर नहीं है, आप मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चला सकते, क्रिमिनल चार्जेस को आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। इनके ऊपर कुछ एलिगेशन से कैश लिया है बोल के, ऐसा कैश फॉर क्वेरी केस के अंदर, तो ठीक है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, बस इतना ही इसको याद रखिए, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया इज प्राउड टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, ये इंडिया ने बोला है, नहीं ये शेख हसीना जी ने बोला है, ठीक है। इंडिया इज प्राउड टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, शायद ये पीएम मोदी जी ने बोला है, ठीक है, किसने बोलने दो। तो ये वर्चुअल समिट हो रहा था अंकुरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जॉइंट स्टेटमेंट दी गई दोनों नेताओं ने, इंडिया से पीएम मोदी थे और बांग्लादेश से उनकी काउंटर पार्ट शेख हसीना जी थी, तो वहां पे उन्होंने ये बातचीत की। इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ द स्मार्ट बांग्लादेश एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट द आवर एफर्ट्स विल क्रिएट द गोल्डन बांग्ला, ये मोदी जी ने बोला है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे अमर सोनार बांग्ला बनाने के अंदर, ठीक है, गोल्डन बांग्ला एंड स्मार्ट बांग्लादेश के अंदर। और ये जो रेल लिंक बनाई गई है, ये कल के पेपर में अपने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, अंकुरा अगरतला रेल लिंक, जिसके अंदर कनेक्टिविटी बनेगी त्रिपुरा से
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो त्रिपुर है वहाँ से बांग्लादेश ये लाइन जाएंगी, अगरताला से लाइन जाएगी, अंकुरा तक ये लाइन जाएंगी, और ये बांग्लादेश को सरप्लस करके सीधा समझो ये बांग्लादेश है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंडिया के, तो ये यहाँ से सीधा जाके कलकत्ता तक कनेक्टिविटी देंगी अपने को, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनाग्रेट किए, खौला खौलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन ये इनाग्रेट की इन्होंने, और यूनिट टू ऑफ मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसको इन्होंने इनाग्रेट किया, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखिए, वर्चुअली किया गया, मिले नहीं है, ठीक है, इतना इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ईरान अर्जेज द मुस्लिम कंट्री टू हाल्ट ट्रेड विथ इजराइल, ठीक है, स्लैम द वेस्ट। ईरान ने बोला है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनको बोला है कि ईरान इसराइल के साथ, ठीक है, इसराइल के साथ आप ट्रेड रिलेशन जो है आपके उसको आप बंद कर दो, ये ईरान का स्टेटमेंट है। उसके बाद तालिबान कॉल फॉर मोर टाइम फॉर अफगान टू लीव द पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी लोग रह रहे उनको उन्होंने बोला था कि आप इलीगली डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आप अफगान पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, और 1 नवंबर की उनको टाइमलाइन दी गई थी, अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उनको बोला कि टाइमलाइन बढ़ा दीजिए, आप इतने कम टाइम पीरियड में हम नहीं हो सकते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैड गिवन द 1.7 मिलियन अफगानी अफगान इट से दैट दे लिविंग इलीगली इन द कंट्री अंटिल द नवंबर 1 टू लीव द वॉलेंटरीली और फोर्सफुली बी मूव, तो उनको फोर्स यूज करके हम निकाल देंगे, ये उन्होंने बोला था। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उनको गुहार लगाई कि आप थोड़ा टाइम पीरियड हमारा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यूज, पॉलिटिशियंस टेक लीडर्स गैदर फॉर द यूकेज एआई समिट, ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट विच सॉट टू बी बिल्ड द फ्रेमवर्क टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्सिमम इज पोटेंशियल, ठीक है। तो ऋषि सुनक ने हेड किया था, मतलब विजिट इस आर्टिफिशियल समिट के अंदर वो थे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके आउटकम निकल के आए इस समिट के अंदर, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट था, तो इसके अंदर इन्होंने कंपेयर किया न्यूक्लियर वेपन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने बोला जैसे न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए सारे देश एक एक जगह आते हैं उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए सारी कंट्रीज एक जगह आनी चाहिए, एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है ह्यूमन रेस के लिए, इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होता तो आप स्वैग UPSC ओनली बोल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।